हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्टडी टाइम में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा अम्ल क्षार एवं लवण। चलिए हम लोग देखते हैं आज का क्वेश्चन। खाने का सोडा है सोडियम बाइकार्बोनेट, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है क्षार। अम्ल वह पदार्थ है जो प्रोटॉन देता है। कार के बैक्टीरिया में किसका इस्तेमाल होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदल जाता है? हाइड्रोजनीकरण द्वारा। कौन सा पदार्थ क्लोरीन के साथ गर्म करने पर ब्लीचिंग पाउडर देता है? गूझा चूना। नीले लिटमस को लाल कर देता है अम्ल। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीराइड। विरंजक चूर्ण है CaOCl2। चूना पत्थर का रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। आयोडीकृत लवण में रहता है पोटेशियम आयोडाइड। फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बेंजोइक अम्ल का। किससे लिटमस प्राप्त होता है? शैवाल। एथेनोइक अम्ल को सामान्य कहते हैं एसिटिक अम्ल। पीएच स्केल की खोज किसने की? एसपीएल सोरेंसन। सभी अम्लों का साझा तत्व है हाइड्रोजन। कौन सा अम्ल एक शक्तिशाली अम्ल माना जाता है? नाइट्रिक अम्ल। जब HCl को कॉपर ऑक्साइड में डाला जाता है तब नीला हरा रंग का यौगिक बनता है। कौन सा सामान्य नमक का स्रोत है? हैलाइड। सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम धोने का सोडा। अमोनियम आयन है एक संयुग्मी अम्ल है। किस अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान होती है? नाइट्रिक अम्ल। अम्ल वर्षा होता है सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल। स्याही का दाग मिटाने के लिए कौन सी अम्ल का प्रयोग करते हैं? ऑक्सैलिक अम्ल। आगे देखते हैं। चींटी के डंक में अम्ल होता है फार्मिक अम्ल। पालक आंवला एवं कच्चे अंगूर में क्रमशः कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्सैलिक अम्ल, एस्कार्बिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल। अगला, CO2 का जलीय विलयन है अम्लीय। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान क्या होगा? 10। सोना का घोल सकता है एक्वारेजिया। बर्फ को पिघलाने के लिए किस का प्रयोग किया जाता है? नमक का। पीएच स्केल किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता को मापता है, इसमें पीएच का क्या अर्थ है? पुटे, जिसका जर्मन में अर्थ है शक्ति। तीन विलयनों एक्स वाई और जेड के पीएच 2, 11 और 7 है, उन्हें हाइड्रोजन आयन सांद्रता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यक्स जेड वाई। नींबू के रस का पीएच मान कितना है? 2। उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? 7। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के लवणों का पीएच मान होता है 7। विरंजन का स्वरूप प्रदान करता है क्लोरीन। सार्वभौमिक सूचनाओं में 4 से 5 का पीएच मान क्या इंगित करता है? दुर्बल अम्ल। जब लिटमस विलयन न तो अम्ली ना ही क्षारी होता है तब इसका रंग होता है बैंगनी। निष्क्रिय लिटमस विलयन का रंग होता है बैंगनी।
एक एम्फोटेरियक ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 से अधिक। गंधी सूचक क्या है? लौंग। अगर किसी घोल की पीएच 7 से कम है अम्ली होगा। पीएच स्केल की रेंज कितनी होती है? 0 से 14। दूध के पीएच की प्राकृतिक क्या है? थोड़ा अम्ली। आगे देखते हैं, टमाटर में कौन सा अम्ल एसिड मौजूद होता है? मैलिक एसिड। भस्म वह पदार्थ जो प्रोटॉन ग्रहण करता है। अम्ल व भस्मों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को कहते हैं लवण। विरंजन पाउडर को तैयार करने में प्रयुक्त होने वाली कौन गैस होती है? क्लोरीन। सोडियम कार्बोनेट का दूसरा नाम क्या है? धोने वाला सोडा। एंजाइम की गतिविधि किसके परिवर्तन से नियंत्रित हो सकती है? पीएच। सोडियम क्लोराइड नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? या NaCl। किस पदार्थ पीएच मान शून्य के सबसे करीब है? सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफ़ेद और पीले बादलों से बना है? शुक्र ग्रह। सभी अम्ल धातुओं से प्रतिक्रिया कर कौन सी गैस निकालते हैं? हाइड्रोजन। रक्त का पीएच मान 7.4। दूध का पीएच मान होता है 6.6। सभी अम्ल जल में घुलकर क्या प्रदान करते हैं? H+ आयन। भस्मों का स्वाद होता है खारा। भस्मों के जलीय घोल में कौन सा आयन होता है? OH-। सभी लवण होते हैं वैद्युत अपघटक। कोका कोला का खट्टा स्वाद किसके अस्तित्व के कारण होता है? फास्फोरिक एसिड। तरल ब्लीच का मुख्य घटक क्या है? सोडियम हाइपोक्लोराइट। मैग्नीशियम को जलाने पर क्या बनता है? भस्म। दाहक सोडा कैसा होता है? प्रस्वेदी। कैल्शियम हाइपोक्लोराइट का सामान्य नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। बिना बुझा हुआ चूने का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। रासायनिक दृष्टि से चूने का पानी होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर आप लोगों से हम नेक्स्ट दिन मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। हम आप लोगों के लिए 50 से 60 क्वेश्चन हमेशा लाते रहेंगे, वो भी 5 से 6 मिनटों में ही। आप लोग का इतने क्वेश्चन हम हमेशा रोज़ कराते रहेंगे। ठीक है, नमस्कार।